दोस्तों हम लोग चार तरीके से अभी फीड करके देखेंगे बर्ड को, चार सेनेगल पैरेट है और चार मेथड ये है कि नॉर्मल सिरिंज और एक पाइप लगा हुआ सिरिंज, एक स्पून जो स्पेशली हैंड फीडिंग के लिए बना है और एक ये स्टील वाला इंजेक्शन टाइप में, ये थोड़ा प्रोफेशनल बर्ड फीडिंग के लिए बनाया जाता है सिरिंज वो वाले से। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली चम्मच से फीड करके देखते हैं कि अगर किसी को एकदम से फीड नहीं आ रहा है और छोटे बच्चे को फीड करना है तो आप इस तरह से यूजुअली फीड कर सकते हैं। ये A19 फीडिंग है, थोड़ा मैंने पतला बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से, यूजुअली थोड़ा गाढ़ा रहता है जो इसका A19 का मैन्युफैक्चरिंग का, जो इसको कितना पिलाना है कि क्रॉप जो है एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए और एकदम लूज भी नहीं रहना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट इसका बॉडी वेट का 10-12%, ऑलमोस्ट 10 ml इसको देना है मुझे क्योंकि इसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 90 ग्राम है। ये अभी इसका पूरा हो गया और कभी भी बर्ड को यहाँ से होल्ड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्रॉप पे हाथ लगेगा तो खाना बाहर आएगा, हेड से उठाना है और नीचे सपोर्ट रखना है। अभी मैं दूसरे को नॉर्मल सिरिंज से फीड करता हूँ, ये नॉर्मल सिरिंज है, बर्ड को ऐसे पकड़ो और लेफ्ट बर्ड का जो लेफ्ट है उधर से सिरिंज डालो लेकिन राइट साइड में, तो ये आराम से ऐसे पी लेगा, आप देखेंगे तो खुद से ये 10 ml पी लेगा। बीच में आप थोड़ा गैप दे दीजिए क्योंकि बर्ड को सांस लेने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है और उसके बाद पूरा आप दे सकते हैं ऐसे। बर्ड अगर खाना गिराता है तो उसी टाइम एक गीला कपड़ा रखिए, गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। अभी जो नेक्स्ट मेथड है वो है ये वाला, मतलब क्रॉप फीडिंग, इसमें पाइप स्ट्रॉन्गली लगा हुआ है, निकलेगा नहीं और 10 ml का कैपेसिटी है। ये वाले बर्ड को मैं इससे करता हूँ, अगर आप पाइप इसके पास में लेके आएंगे ना तो यूजुअली बर्ड अपने आप पाइप मुंह में ले लेता है क्योंकि नॉर्मल फीडिंग की इसको आदत है, तो आप पाइप को अपने आप जाने दीजिए, ऐसे करके पूरा अंदर गया आपको अपने आप पता लग जाएगा, कुछ नहीं करना है और आप ऐसे खाना छोड़ दीजिए। तो ये फास्ट है और इसमें कोई डेंजर भी नहीं है क्योंकि ये पाइप डायरेक्ट जो है क्रॉप में ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है कि गलत जगह चला जाए। लास्ट मेथड जो है वो सिरिंज से है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें खाना उतना ही लीजिए जितना बर्ड के आपको क्रॉप में डालना है, 10-12 ml, और ये 14G सिरिंज है, सिरिंज पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा सिरिंज कौन से बर्ड के लिए है, तो ये 14G सिरिंज जो है ये कोन्यूर और सेनेगल इस टाइप के पैरोट के लिए होती है। सेम इसमें भी करना है, लेफ्ट से डालना है और राइट में एंट्री करना है, ये अपने आप कर्व है, ऐसे जाएगा ना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, लेकिन इसमें बर्ड जो है थोड़ा तंग होता है, जब पूरा चला जाए तब धीरे से आपको खाना अंदर छोड़ देना है ऐसे। कोई ये सारे बर्ड के क्रॉप जो है आप चेक कर लीजिए, फुल हो गए हैं और इनको यूजुअली थोड़ा ज्यादा फीडिंग की जरूरत होती है, इनका बॉडी वेट 120 के आसपास है तो इनको 12-15 ml के बीच में देना होता है। अभी मैंने सबको 10 के हिसाब से ही दिया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए।